नमस्कार। मेडिसिन के इस नए लेक्चर में हम लोग ईसीजी को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ईसीजी के टॉपिक को हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक पॉइंट्स को मैंने समझाया किस तरीके से ईसीजी 12 लीड्स के साथ फंक्शन करती है, इसमें कौन से लीड कहां पर काम करते हैं, उन सारी चीजों को फोकस करते हुए अब हम लोग तेजी से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यह इमेज अपने आप में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। इस इमेज को एक बार अगर हमने समझ लिया तो काफी सारी चीजें पहले से ही अपने आप में समझ में आ जाती हैं। आप देखिए इस साइड में लेटरल व्यूज, एक्चुअल में क्या है, हार्ट की एक्टिविटीज को हम सरफेस पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो कार्डियक मसल्स की अपनी एक्टिविटीज होती हैं वो काफी हद तक बदल जाएंगी, आप समझ सकते हैं। इसके बारे में फिजियोलॉजी में काफी चर्चा हो चुका है। ईसीजी जो मेडिसिन में भी हम बात कर चुके हैं उसमें भी ये सारी चीजें बताई जा चुकी कि हम दूर से एक तरीके से कैमरे की मदद से बॉडी के भीतर छुपे हुए हार्ट की एक्टिविटीज को एसेस करने की कोशिश करते हैं। वो भी आप इस साइड में देखें तो ये जो एवीएल है और लीड वन है, ये लीड वन और ये एवीएल, ये लैटरल साइड से हार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। आपको एनाटॉमी में आपको पता होगा हार्ट किस तरीके से रहता है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो काफी हद तक इस साइड में रहता है, तो उसको देखने के लिए हम इन लीड्स की मदद लेते हैं। वहीं आप यहां पर देखें, थोड़ा नीचे की ओर चलें तो नीचे की ओर से अगर हमें देखना है, इन्फीरियरली अगर इसे एनालाइज करना है तो लीड टू, लीड थ्री और एवीएफ ये नीचे से इन्फीरियर वॉल को देखने में मदद करते हैं। तो यहां हम लैटरल देख चुके, इन्फीरियर देख चुके हैं। इसके बाद आगे से देखने की कोशिश करें तो जो चेस्ट लीड है ये एक्चुअल में एंटीरियर वॉल के बारे में बताते हैं। तो ये जो ऑगमेंटेड लीड है, ऑगमेंटेड लिम लीड्स या फिर जो लीड वन टू थ्री है, ये बेसिकली इन्फीरियर एंटीरियर इन्फीरियर लैटरल और इस तरीके के वॉल्स, यानी जो लैटरल वॉल है या इन्फीरियरली देखने में मदद करते हैं। जो चेस्ट में लीड्स लगाई जाती हैं V1 से लेकर के V6 तक, ये बेसिकली एंटीरियरली यानी आगे से जहां लगाए गए हैं वहीं का इमेज देखने में मदद करते हैं। इसमें भी V1 को आप देखें, V1 से लेकर के V4 तक चलें तो इमेज को देखते हुए चलेंगे तो ये एंटीरियर है और प्लस सेप्टम तक के लेवल तक को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आप देखिए V5, V6 ये फिर लेटरल साइड में चले जाते हैं, तो ये एंट्रो लेटरल डायरेक्शन में देखने में मदद करते हैं। तो चलिए इस सारी चीजों को एक बार तेजी से रिकॉल कर लेते हैं। ईसीजी में कितने लीड्स का इस्तेमाल होता है, 12 लीड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 12 लीड्स इस्तेमाल होते हैं, ये अलग अलग लेवल पर इमेज ड्रॉ करने में मदद करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि लीड वन या एवीएल ये जो है लेटरल साइड से थे, जबकि लीड टू, लीड थ्री, एवीएफ ये नीचे की ओर से देखने में मदद कर रहे थे। जबकि V1 से लेकर V6 मैंने अभी आपको बताया, ये इंटीरियर वॉल के बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें भी यहां पर V1 से लेकर V4 तक एंटीरियर और सेप्टल यानी एंट्रोसेप्टल डायरेक्शन को विजुअलाइज करते हैं, एंट्रोसेप्टल डायरेक्शन में विजुअलाइजेशन बनाते हैं। जबकि V5 से लेकर V6 तक ये एंट्रो लेटरल डायरेक्शन में हमारे विजुअलाइजेशन को क्लियर करते हैं। चलिए अब एक नॉर्मल ईसीजी के वेव्स का कैसा पैटर्न होगा उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ईसीजी के वेव्स किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में हमें पता है, वो कार्डियक एक्टिविटीज जो एसए नोड से एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिज, फिर ये पुरकिंजे फाइबर से होते हुए आगे बढ़ते हैं, उन सभी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। काफी कुछ चर्चा हो चुका है इसलिए हम इसको तेजी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इसी एक्टिविटीज के प्रोग्रेशन को हम पी वेव, क्यू, आरएस और टी वेव्स की मदद से बॉडी सरफेस पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हमें मिलती हैं। इस पूरे के पूरे पैटर्न को जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं उसको कोरिलेट करें तो कुछ इस तरीके से हमें सारी चीजें मिलती हैं। पी वेव्स, क्यू, आरएस और टी, ये वेव्स का जो पैटर्न है इसमें कितना समय लगेगा, कितना प्रोग्रेशन का समय होगा, इसमें क्या क्या अंतर होंगे, क्या क्या फिजियोलॉजिकल, क्या क्या पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस यहां पर होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज होता है कि इसमें जब कभी भी हमारे पास ईसीजी की स्ट्रिप आती है तो हमें उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हम आइडियली कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे रेट क्या है, रिदम कैसा है, एक्सिस
किस ओर है, कोई डेविएशन तो नहीं है, वेव्स जो भी वेव्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसमें इंटरवल कितना है, सेगमेंट्स की एनालिसिस कैसी है, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। ये बहुत ही जरूरी है कि कभी भी हमारे सामने ईसीजी अगर की स्ट्रिप मिलती है तो हमें उसका रेट, रिदम, एक्सिस, वेव्स की मॉर्फोलॉजी, उसके इंटरवल्स और सेगमेंट की एनालिसिस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि इन्फीरियर सर्फेस को देखना हो तो 1, 2, 3 और AVF, ठीक बात है, 1 से लेकर 4 तक इंटीरियर सर्फेस और वो भी एंट्रोसेप्टल तक वो जाता है। 5, 6 के बारे में मैंने बताया था, ये लेटरल एंट्रोलेटरल के लिए होता है। 1 और AVL भी लेटरल सर्फेस ऑफ द हार्ट के लिए होता है। AVR और V1 बेसिकली राइट साइड ऑफ द एट्रियम को, उसमें होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके का जो पैटर्न हम PQRS और T का जो पैटर्न देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी में मिले। पी वेव्स प्रॉपरली अगर हमें देखना है तो Lead 2 और V1 में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है, तो आप खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। V1 में एक्चुअल में राइट साइड ऑफ द एट्रियम की एक्टिविटीज को देखा जाता है, इसलिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन V1 जो लीड होती है, चेस्ट लीड होती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें पी वेव्स देखने को मिलता है, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन राइट साइड में होता है, इसलिए राइट साइड से रिलेटेड जो लीड्स होंगे उनमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है। तो Lead 2 और V1 ये बहुत अच्छे तरीके से उनमें आपको पी वेव्स देखने को मिलेंगे। अब एक बार शेप बना लें, देखने की कोशिश करें किस तरीके से नॉर्मल पी वेव मिलता है, नॉर्मल टी वेव्स कैसे होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे वेव्स का ड्यूरेशन, सेगमेंट्स आप देख सकते हैं, इंटरवल्स देख सकते हैं। तो इसमें हम अभी आपको पी वेव्स और टी वेव्स का नॉर्मल एनालिसिस आपको बता रहे हैं। इस इमेज से आप देखें तो टी वेव्स, देखिए इसकी जो पीक है और ड्यूरेशन है वो पी वेव से ज्यादा होता है, ये बात हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए पी वेव्स और टी वेव्स दोनों के बीच में अंतर जब हमने देखने की कोशिश की तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिला है। एक बात यह भी है कि जो नॉर्मल प्रोग्रेशन होता है वेव्स का, वो भी लीड्स वाइज बदलता रहता है। एक और बात यहां पर देखने में समझ में आ सकती है कि V1 से लेकर के V6 तक आप पैटर्न देखिए, ये जो QRS का प्रोग्रेशन है उसका अपना एक पैटर्न आप यहां पर देखिए, ये किस तरीके से डेप्थ में जा रहा है। आर वेव्स के पैटर्न को आप V1 से लेकर V6 तक चलते हैं तो इस लेवल पर ये नेचुरल एक चेंजेस हम देखने को पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमने अलग अलग साइड से देख रहे हैं और जहां से इमेज को हम देखते हैं उस डायरेक्शन में जा रही वेव्स ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आती हैं। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं वहां पर प्रॉपर प्रोग्रेशन आर वेव्स का हमें V1 से V6 के डायरेक्शन में मिलता है। तो जो प्रोग्रेशन का तरीका है उसको भी हमें ऑब्जर्व करके रखना है, कुछ इस तरीके से वेव्स का फॉर्म बदलते हुए आगे बढ़ते हुए हमने देखा। इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद अब हम लोग स्टेप वाइज स्टडी करने की कोशिश करेंगे, रिदम क्या होता है, रेट क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप वाइज अप्रोच में सबसे पहले रिदम की हम बात करते हैं। तो रिदम देखना है तो आर आर इंटरवल्स के बीच में किस तरीके का रिदम बन रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आर आर इंटरवल को आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम जान लें कि हम ECG के रिकॉर्डिंग को देखते समय बात किस पर हम फोकस करेंगे, रेट के बारे में, रिदम के बारे में, एक्सिस के बारे में, पी वेव्स, पी आर इंटरवल, सेगमेंट्स, क्यू वेव्स, आर वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट, टी वेव, यू वेव और QT इंटरवल के बारे में बात करेंगे। तो 10 तरीके के पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। हम लोग अक्सर ECG में कहते हैं ना नॉर्मल साइनस रिदम है, तो ये रिदम किस तरीके का है उसको आर आर इंटरवल्स के बीच में आप देखिए किस तरीके का, अगर रेगुलर रिदम मिल रहा है तो सामान्य सी बात होती है। रिदम के अलावा रेट भी बहुत मायने रखता है। इन सारी चीजों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है इसलिए हम बहुत डिटेल में इस पर बात नहीं करेंगे, इसको तेजी से हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम आर आर इंटरवल के बीच के पैटर्न को देखते हुए हम रिदम का अनुमान लगाते हैं। रिदम मीन्स किस तरीके का इसमें पैटर्न हमें मिल रहा है, आर आर इंटरवल के बीच में किस तरीके का सिक्वेंस तैयार हो रहा है उसके आधार पर हम रिदम के बारे में कहते हैं। रेट ऑफ ECG इसके बारे में भी हम कह सकते हैं, जैसे ECG का रेट कितना मिल रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हार्ट रेट
के बारे में हम अनुमान लगाते हैं और नॉर्मल हार्ट रेट 60 से लेकर 100 के आसपास तक होता है। अगर 60 से कम है तो ब्रैडीकार्डिया, 100 से ज्यादा है तो टैकीकार्डिया। ईसीजी के पेपर की मदद से हार्ट रेट को हम पता लगा सकते हैं, जैसे 1500 डिवाइडेड बाय आर इंटरवल के स्मॉल स्क्वायर की संख्या से हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो स्मॉल स्क्वायर्स की कितनी संख्या है उसके कैलकुलेशन से हम इस बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप अपने हाथों में एक बार ईसीजी का पेपर लेकर के चलेंगे और इसको देखने के साथ ही कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से इससे रिलेटेड चीजों को समझ पाएंगे। तो 100 से ज्यादा है तो टैकीकार्डिया, 60 से कम है तो ब्रैडीकार्डिया। इसके बाद एक्सिस का डेविएशन है या नहीं है, एक्सिस ऑफ हार्ट कहां पर है उसके बारे में भी बता किया जाता है। मैंने इसके बारे में पहले फिजियोलॉजी के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तेजी से रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। लीड वन और QVF इनके समीशन से, इनकी मदद से, इनके QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके जैसे इधर आप देखिए ऊपर की ओर जाते हुए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नीचे की ओर जाते हुए निगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इसका ओवरऑल हम सम देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखने की कोशिश करते हैं? हम सम देखने की कोशिश करते हैं इसकी वैल्यूज किधर की ओर जा रही है। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे कम है तो ये पॉजिटिव में जाएगा वैल्यू। इसमें देखिए एवीएफ में पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लीड वन को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम एवीएफ को लेते हैं और उसके बाद अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये है लीड वन जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग अपना रिप्रेजेंटेशन देता है, ये लीड वन है। जबकि लीड एवीएफ की बात करें, एवीएफ तो इसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। देखिए नीचे की ओर पॉजिटिव होता है वैल्यू, ऊपर की ओर निगेटिव होता है। देखिए माइनस QRS, पॉजिटिव QRS, अगर इसका रिजल्टेंट वैल्यू किस ओर आएगा, कितना वैल्यू आता है, ऐसे ही QRS का इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव वैल्यू। अब इसी की मदद से हम एक्सिस को देखने की कोशिश करते हैं। इसको ज्यादा आसान भाषा में देखने की कोशिश करें तो लीड वन एक्स एक्सिस पर और एवीएफ को वाई एक्सिस पर। मैंने आपको बताया इधर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव और इसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी ये निगेटिव में चली जाएंगी। तो वैल्यू जहां आ रही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मैंने आपको बताया था ना टोटल रिजल्टेंट हमें लिया, तो पॉजिटिव में कितनी वैल्यू आ रही है उतना हम इधर ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव में कितनी वैल्यू इधर आ रही है इधर ड्रॉ करते हैं। अगर निगेटिव में चली जाएंगी तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, अगर इसकी लीड वन की निगेटिव में होगी तो इधर वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद जो वेक्टर के एडिशन का लॉ होता है, वेक्टर को ऐड करने का जो लॉ होता है उसकी मदद से हम रिजल्टेंट वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं। इस बारे में फिजियोलॉजी में काफी चर्चा हो चुका है। तो नेट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किधर की ओर जा रहा है उसके आधार पर हम अपनी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखें आप, नॉर्मल एक्सिस जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में नॉर्मल QRS एक्सिस होता है। आप ऊपर की ओर चलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, इधर की ओर चलेंगे तो राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन आपको इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, इस डायरेक्शन में, जो कि काफी हद तक पॉसिबल नहीं होता है। तो राइट एक्सिस डेविएशन कब पॉसिबल है, जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए। इसी तरीके से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कब होगा, उसका अपना तरीका होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। नॉर्मल जो एक्सिस होता है वो इस क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। एक्सिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में कैलकुलेट कराया जाता है, तो उसी चीज को हम लोग यहां पर एक बार रिकॉल कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया ना एवीएफ के लीड्स का रिजल्टेंट वैल्यू कितनी मिल रही है उसको हम देखते हैं। जैसे ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है तो इसका टोटल हम मान लीजिए +5 और -3, यानी हमें केवल 2 वैल्यू मिली, +2 वैल्यू, तो एवीएफ में हमें +2 ड्रॉ कर लेना है। इसी तरीके से लीड वन में हमें देखना होता है, लीड वन में क्या वैल्यू मिल रही है उसका रिजल्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस तरीके का बनेगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, मान लीजिए इसका भी वैल्यू आ गया +3, तो इधर की ओर 1, 2, 3 है ना, ऊपर मान लीजिए +6 आ गया, नीचे -3, तो रिजल्ट कितना आएगा +3, तो +3 को हमने लीड वन में ड्रॉ कर लिया, इधर की ओर इसका कहीं ना कहीं वैल्यू आएगा। आप समझ सकते हैं ना जब वैल्यू कब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की ओर जा सकता है, जब ये वैल्यू ऊपर की ओर जाने लगे,
एवीएफ की वैल्यू माइनस में जाने लगे तो वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पॉसिबल तभी हो पाता है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इसके आमतौर पर नॉर्मल एक्सिस -30 से लेकर +90 डिग्री तक माना जाता है। अगर राइट एक्सिस है तो +90 से आगे की ओर, लेफ्ट एक्सिस वो -30 से और पीछे की ओर जाएगा तो हम जनरली लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहते हैं। अब एक्सिस डेविएशन को याद करना हो तो उसके लिए एक कोड बनाया जा सकता है। कोड है रैड रैल्फ द LAD फ्रॉम विला। तो रैड मींस राइट एक्सिस डेविएशन, रैल्फ रैड रैल्फ, तो रैल्फ का मतलब है आर, आर का मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मैंने अभी आपको बताया। एंटीरियर रैल्फ का ए, ए का मतलब हुआ एंट्रोलेटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंट्रोलेटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके अलावा LPH का मतलब लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक, ये इसका एक कारण हो सकता है। LAD फ्रॉम विला, विला का ये होगा कोड। V का मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, I का मतलब इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, L का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, LA मींस लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं राइट एक्सिस डेविएशन के बारे में। मैंने आपको बताया राइट साइड ऑफ द लंग्स कुछ ज्यादा किसी भी कारणों से प्रभावित हो रहा, जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आप समझ सकते हैं COPD या फिर कोई इम्बोलिज्म का कॉज हो जो सीधे तौर पर कार्डियक एक्टिविटीज को प्रभावित कर रहा है, हार्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है काम करने के लिए, तो इसके कारण राइट एक्सिस डेविएशन पॉसिबल है। एक इमेजिनेशन करने की कोशिश करें तो आप देखिए COPD के पेशेंट्स हों या फिर पल्मोनरी इम्बोलिज्म के कारण वहां पर प्रॉब्लम है, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो बैक प्रेशर लगने के कारण हार्ट को कुछ ज्यादा इंटेंशनली ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके, जिसके कारण राइट एक्सिस का डेविएशन होता है। तो किस कारणों की वजह से हुआ? COPD या फिर पल्मोनरी इम्बोलिज्म जैसे कारणों की वजह से राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या फिर खुद इमेजिन करने की कोशिश करें राइट एक्सिस की ओर सारी चीजें कब भाग सकती हैं, राइट साइड में कब भाग सकता है, या तो राइट वेंट्रिकल खूब अच्छे से काम कर रहा हो या फिर एंट्रोलेटरल MI हो। एंट्रोलेटरल का मतलब आप समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड की ओर मामला जा रहा है, लेफ्ट साइड का हार्ट काम न कर रहा हो तो राइट साइड अपने आप डोमिनेट कर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? एंट्रोलेटरल MI का मतलब क्या हुआ? इमेज शुरू से याद करेंगे तो आप रिकॉल कर सकेंगे, एंट्रोलेटरल MI का मतलब ये हुआ कि हार्ट कुछ ज्यादा काम कर रहा है, किस साइड में? राइट साइड में। कंपैरेटिव है ये, क्योंकि लेफ्ट साइड काम नहीं कर पा रहा है, एंट्रोलेटरल MI हुआ। इसी तरीके से लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक होने पर भी राइट साइड अपने आप कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव नजर आएगा, कंपैरेटिवली, क्योंकि ये काम ही नहीं कर पा रहा है। इधर लेफ्ट एक्सिस में क्या है? लेफ्ट एक्सिस के लिए आपको देखना होगा कि वेंट्रिकल्स ज्यादा काम कर रहे हो तो वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए, या फिर इन्फीरियर MI, इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट, एक्चुअल में राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में बताता, तो राइट साइड का हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? लेफ्ट साइड अपने आप डोमिनेट कर जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट एक्सिस वो हो जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक अगर आप राइट साइड के लिए आप समझेंगे तो इसको आप लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के लिए रट सकते हैं। तो एक चीज याद रहेगा तो दूसरी चीज को रिकॉल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हमें दो टर्म्स और समझने हैं, एक P पल्मोनेल और दूसरा P मिट्रेल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो P पल्मोनेल एक्चुअल में लंग्स की डिजीज है, लंग्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। P पल्मोनेल के मामले को इस तरीके से हम पीक्ड P वेव देखते हैं जिसकी हाइट 2.5 mm से ज्यादा होती है लिमलेट्स में, वो P पल्मोनेल के बारे में बताता है। यह राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को बता रहा है, क्योंकि आपको पता है ना जब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट साइड में ज्यादा काम हो रहा है, और इतना ही नहीं राइट वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, राइट वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आपको पता ना कि ये एट्रियल राइट साइड के सिस्टोल के बारे में बताता है, या यूं कहें हार्ट के सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बारे में हमें पी वेव से जानकारी मिलती है। तो पी पल्मोनेल में एक्चुअल में ये पीक्ड हो जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जिसकी हाइट जो है 2.5 mm से ज्यादा होती है, वो किसमें होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड लंग्स की एक प्रॉब्लम की वजह से होता है। जबकि पी मिट्रेल, इसमें पी वेव्स की विड्थ बड़ी हो जाती है, देखिए पी वेव्स की विड्थ बड़ी हो जाती है, यहां पर पीक्ड हो गया और यहां पर विड्थ इसकी बढ़ गई। पी मिट्रेल
या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है। आप यहां पर देखें, यह है पी पल्मोनेल, इसकी हाइट देखें आप, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। मैंने आपको बता भी रखा है पी वेव्स को हम लीड टू में बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लीड टू में देखिए, इसकी पीक्ड है और 2.5 mm से कहीं ज्यादा इसकी हाइट यहां पर मिल रही है। पी पल्मोनेल, पी मिट्रेल याद रखना है। पी पल्मोनेल क्या है? डिजीज ऑफ लंग है, जबकि पी मिट्रेल ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड। तो पी पल्मोनेल क्या करता है एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पी मिट्रेल को बढ़ेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। टॉल पी वेव है जो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। तो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट मैंने आपको बताया ना कब हो सकता है, आप पीछे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर सेकेंडरी पल्मोनरी कोई कॉज हो जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसिमा जैसे कारण होंगे। तो इसको टॉल पी वेव को मैंने आपको बताया है कि एवीएफ और सेकेंड लीड में बहुत अच्छे से हम पी वेव को अप्रिशिएट कर पाते हैं, तो हम उन्हीं को ज्यादा फोकस करेंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो, उसके कारण भी राइट एट्रियम, क्योंकि आपको पता है राइट एट्रियम की एट्रियल एक्टिविटीज के बारे में हमें पता चलता है पी वेव्स की मदद से, तो उसको हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो पी पल्मोनेल अगर हमें देखना है तो उसमें पीक्ड होगा ये, किस कारण से आप देखें, या तो हार्ट में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसिमा जैसे कारण जो हार्ट लंग्स के लेवल पर ज्यादा दबाव दे रहे हैं जिसके कारण ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जो अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और उसके कारण अल्टीमेटली फिर राइट एट्रियल इनलार्जमेंट करा देते हैं। ऐसा अगर कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें राइट एट्रियल पी पल्मोनेल अगर हमें मिल रहा है ईसीजी पर, तो हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, हम कार्डियक डायमेंशंस देखेंगे, लंग्स को भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर इको करने की कोशिश करेंगे अगर हमें थोड़ा भी डाउटफुल होता है, क्योंकि पी पल्मोनेल अगर है तो आप समझ सकते हैं वेल्वुलर डिजीजेस भी हो सकते हैं। यहां पर देखिए ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी हमें, इसके अपोजिट जो मैंने पी मिट्रेल के लिए अभी बता रखा था, उसमें पी वेव्स की विड्थ बढ़ती है। ये विड्थ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हो सकता है लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल के हाइपरट्रॉफी हुआ जिसका सीधा प्रभाव लेफ्ट एट्रियम पर पड़ रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम का कोई इनलार्जमेंट हो या लेफ्ट एट्रियम उससे अगर प्रभावित हो रहा है तो फिर हम इन सारे कारणों के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें आप देखिए ये लेफ्ट एट्रियम की समस्या है, सॉरी राइट एट्रियम की समस्या पी पल्मोनेल के लिए है, पी मिट्रेल के लिए लेफ्ट एट्रियम की, यहां पर लेफ्ट एट्रियम और यहां पर राइट एट्रियम, इसके लिए हाइपोकैलेमिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, और इसके लिए जिसमें विड्थ बढ़ रहा है इसके लिए हाइपरकैलेमिया भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली देखें तो ये अपने वेंट्रिकल्स के बढ़ने की वजह से पीछे एट्रियम पर दबाव पड़ा और उसके कारण एट्रियम के चेंजेस हमें राइट साइड में अगर है ज्यादा प्रीडोमिनेंट तो हमें पल्मोनेल, लेफ्ट साइड में होगा तो पी मिट्रेल। इसके बाद तेजी से बहुत सारी चीजों को हमें रिकॉल करना है, इंटरवल्स को देखना है, सेगमेंट्स को देखना है, वेव्स के पैटर्न को देखना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।